ऐसा कही जा रही ये हत्याएं न हुई होती अगर रेलवे राजनीतिक अवसरवाद से मुक्त होता, अगर रेलवे की व्यवस्था में दीमक नहीं लगा होता, अगर रेलवे चुस्त दुरुस्त होता। काश किसी ने कुमकुम की बात ही सुन ली होती। मैं 2-3 घंटे पहले ऐसी हिल रही थी, 2-3 घंटे पहले से ऐसी चलता सीट पर से लोग नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, तेज हिल रही थी। हाँ, बहुत तेज हिल रही थी गाड़ी। आप लोगों ने टीटी को बताया था? नहीं, टीटी उस समय नहीं आए थे। हाँ, किसी को बताया था आप लोगों ने? फोन नहीं, सब सोए थे। हम लोग बैठे थे तो हम बोले सर कि क्यों इतना गाड़ी क्यों हिल रही है। उसके ही 3:15 बजे करीब एक पे कैसे लड़ने लगी। कितने बजे करीब ट्रेन हिल रही थी? ये तो ट्रेन 2-3 बजे 2-3 घंटे पहले से हिल रही थी। रात 12 बजे से? 12 बजे से इतनी हिल रही थी। जब ट्रेन चली होगी उसके बाद से? हाँ, खूब हिल रही थी ट्रेन। ऐसे लगा कि सीट पर से नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, तो ड्राइवर ने रोका नहीं कहीं ट्रेन? कहीं नहीं रोका। इंदौर पटना एक्सप्रेस के टूटे हुए डिब्बे बदल जाएंगे। ट्रैक फिर साफ हो जाएगा। फिर वहीं से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। लेकिन क्या हादसों से हार जाने की हिंदुस्तान की आदत बदल पाएगी? क्या हम पुखराया को रेलवे का आखिरी बुरा सपना बना पाएंगे? बहुत भयानक सर। उसके बाद देख रहे हैं कि गाड़ी मतलब डगमग हो रहा, तो हम लोग सोचे कि मतलब गाड़ी में कोई खतरा वाली बात है, तो फिर हम जनरल बोगी में थे, उसे गेट खोले, हम खुद गए। जब ये हुआ है तो हम जग रहे थे, जो है बहुत तेज एकदम से खर 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 की आवाज आई। नमस्कार, आपके साथ है नंदिता कुडेशा। इंदौर पटना एक्सप्रेस की बोगियों के पटरी से उतर जाने और फिर 146 लोगों की मौत को हम हादसा ही क्यों कहें? क्यों न कहें कि रेलवे ने नागरिकों की हत्या की है। रेलवे के उस रक्त चरित्र के बाद रुला देने वाली सैकड़ों कहानियां सामने आ रही हैं। परिवार उजड़े हैं। सवाल यह है कि रात के घुप अंधेरे में सिस्टम अगर सो नहीं रहा होता तो क्या कीमती जानों को बचाया नहीं जा सकता था? क्या रेलवे की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नेता अफसर इन आंसुओं के सामने टिक सकेगा? कोई जवाब दे सकेगा कि बिहार के मोतिहारी के नजीर अहमद के 10 लोगों के परिवार का पेट अब कौन भरेगा? इंदौर में टेलर का काम करने वाला नजीर तो लहू पीने वाली भारतीय रेल का शिकार हो गया, लेकिन उसके अपनों की जिंदगी के फटे लिहाफ अब सीलने वाला कोई नहीं होगा। हमारे पापा इंदौर में रहते थे, हमारे पापा सिलाई के कटिंग मास्टर थे, इसके अलावा हमारे पापा एक कमाने वाले थे, हम लोग 10 आदमी खाने वाले, हमारे पापा कमा के लाते थे तो हम लोग खाते थे, नहीं लाते थे नहीं खाते थे। बिहार के दानापुर की कोमल भोपाल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। हादसे के बाद वो 12 घंटे तक जूझती रही हालात से, लेकिन रविवार को दोपहर 3 बजे जब एनडीआरएफ की टीम ने उसे दबे कोच के बीच से निकाला तो सदमे से उसकी मौत हो गई। फोन रिकॉर्ड से पता लगा कि इन 12 घंटों के दौरान उसने कई लोगों को फोन किया था, व्हाट्सएप मैसेज भी किए थे, लेकिन कब तक सहती? अपने शरीर के आधे हिस्से पर हुए वज्रपात को सहने की क्षमता आखिर उसने खो दी। लेकिन बच्ची के सुरक्षित का सूचना हम लोगों को मिल रहा था। बहुत दुखी है, पूरा कॉलोनी मरमाहत है, और क्या बोला जाएगा। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी वो, एक अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने में तेज लड़की है, और बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की, मिलनसार लड़की, पारिवारिक लड़की है, और वो आ रही थी छुट्टियों में अपने घर से माता पिता से मिलने के लिए। कोई जवाब दे सकेगा कि कोमल के सपनों का गुनहगार कौन है? कोई जवाब दे सकेगा कि उसके जिंदगी को जीत लेने के सपनों के आड़े कौन आया?
कानपुर के हैलेट अस्पताल में अपने बच्चे के साथ भर्ती नेहा सिंह को भी अपने पिता और बहन की तलाश है, जो हादसे के बाद से ही लापता है, और जो बहन लापता है उसकी आज ही गोद भराई होनी थी। इंदौर से मऊ जा रहे थे, इसके पापा और बहन थे, तो बहन की गोद भराई थी आज ही, किस तारीख को थी, जो मिसिंग हुई है। हाँ, वो दोनों मिल नहीं रहे हैं, और काफी खोज के लोग वापस भी आ गए, सारे घर के लोग सुबह 6 बजे गए थे, कल भी सारा दिन ढूंढा गया था, केवल एक सामान मिला है, मोबाइल और पर्स, और बाकी सामान भी नहीं मिला। भी नेहा जी, आप लोग किस कोच में थे? S2 में। अच्छा, S2 में। हाँ, S1 में वो लोग थे। तो आप लोग के बाद अलग अलग थे आप? हमारा पापा बहन के पास थी, बस रात में मैं सोची तो चलो रात में एक सीट मिल गया, सोची तो मैं वहीं पर जाकर सो लूं और सवेरे आ जाऊंगी। तो बच्चा आपके साथ ही थे? हाँ, बच्चा हमारे साथ। सवाल ये है कि नेहा सिंह जो शादी के बाद नई जिंदगी की तलाश करने वाली थी, उसकी तलाश करनी पड़ रही है, तो क्या रेलवे का सिस्टम इसकी जिम्मेदारी ले सकेगा? एमपी के इंदौर से यूपी के कुशीनगर जा रही साक्षी सिंह अपने परिवार के साथ बुआ के लड़के की शादी में जा रही थी। हादसे के बाद से उसके मम्मी पापा नहीं मिले हैं। सब सो रहे थे, तो सब कुछ अचानक से हुआ, कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे एक अंकल ने बाहर निकाला था, मैं फंस गई थी। तो अच्छा, आपको होश था मम्मी पापा का जब एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर हैं वो लोग, कुछ पता चला? होश तो था, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला था कहाँ पे, क्योंकि उन लोग को बहुत लेट निकाला शायद बाहर। अच्छा, आप लोग एक ही साथ सब लोग कोच में थे? थे एक ही साथ, लेकिन मैं एक मिडिल बर्थ पे सोए हुए थी और मम्मा पापा नीचे मतलब चादर बिछा के सोए हुए थे, इसलिए उन लोग को निकालने में काफ़ी लेट हो गया था। मैं हॉस्पिटल आ गई थी, उसके बाद भी उन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। मम्मी पापा का भी पता नहीं चल रहा? नहीं, किसी का नहीं पता चल रहा है। आपने पता किया अस्पतालों में कहीं? हाँ, यहाँ पर भी लिस्ट में देखे, मृतक लिस्ट में भी देख ले, कहीं पर नाम नहीं है। क्या रेलवे की व्यवस्था ही साक्षी सिंह की खुशियों के आड़े नहीं आई? उसके माँ बाप रिपोर्ट लिखे जाने तक लापता हैं। क्या संवेदना के दो शब्द इस परिवार के कष्ट को मिटा सकेंगे? सवाल ये कि रेलवे का यह हाल क्यों? सब कुछ चलता है, होता है, कोई बात नहीं। क्या यही वो नजरिया है जो रेलवे को कभी अलर्ट नहीं कर सका? मोतिहारी से पंकज और दानापुर से अमित झा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया कानपुर। पर अगली रिपोर्ट पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी ये खबर कसौटी पर, हर कसौटी पर खरी उतरती है। हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठा की है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय है, साथ ही ये खबर तकनीकी विश्वसनीयता पर भी खरी उतर रही है। अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे बीमार है, बहुत बीमार है, लेकिन उसकी ये बीमारी आज की नहीं है। आजादी के बाद से रेलवे को सिर्फ साधन समझा गया है, वो भी यात्रा का नहीं, राजनीति का। नतीजा है कि आज रेलवे गड्ढे में गिर गया है और ये गड्ढा बहुत गहरा है। शायद कई साल पहले बोरवेल में गिरे कुरुक्षेत्र के प्रिंस का गड्ढा भी इतना गहरा नहीं रहा होगा। रेलवे को आज जीवित रखने के लिए आपदा प्रबंधन जैसे इंतजाम करने ही पड़ेंगे। ये वो मालगाड़ी है जो उत्तर प्रदेश के झांसी में आज पटरी से उतर गई थी। गनीमत रही कि किसी की जिंदगी को इस हादसे से नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे पर कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी को अफसोस भी हुआ हो तो कह नहीं सकते। क्या यही है भारतीय रेलवे की पहली बीमारी, कि रेलवे में तब तक शोर नहीं मचता जब तक किसी बेगुनाह नागरिक की चीखे कान के पर्दे ही न फाड़ दे। अंग्रेजों के जमाने की भारतीय रेल यूं तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना 2,30,00,000 मुसाफिर रेल के मेहमान बनते हैं, लेकिन ये रेल व्यवस्था यात्रियों की मेहमान नवाजी के मुनासिब नहीं। भारतीय रेल के सिस्टम पर क्षमता से अधिक भार है और बीते 70 साल में इसे आधुनिक बनाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दुनिया की रेल व्यवस्थाएं रफ्तार से बातें करती हैं, लेकिन भारत में ट्रैक और ट्रेनें ऐसी हैं कि औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखना भी चुनौती है। ना तो भारतीय रेल के ट्रैक आधुनिक हुए हैं, ना कोच स्टैंडर्ड हैं,
और ना ही सिग्नलिंग के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। भारतीय रेल में सुरक्षा को लेकर गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सुरक्षा को लेकर बड़े अफसरों की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। रेलवे में सुरक्षा का सर्टिफिकेट भी सी और डी ग्रेड के कर्मचारी जारी करते हैं। रेलवे एक्ट में कुछ इस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज ही फाइनली और अल्टीमेटली किसी भी एक्सीडेंट या अबनॉर्मलिटी या किसी जान या माल के नुकसान के लिए जिम्मेवार ठहराए जा सकते हैं। रेलवे के ऑफिसर्स उसमें कभी नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है हिंदुस्तान के किसी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर को आज तक सजा नहीं दी गई। अब आप आज की इस घटना का अंदाजा लगाएं कि 200 के करीब डेथ्स हो रही हैं, 150 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी और कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर, कोई डिविजनल अथॉरिटीज, कोई जोनल अथॉरिटीज, कोई रेलवे बोर्ड की अथॉरिटीज ना अभी तक सस्पेंड हुई है, ना गवर्नमेंट ने सोचा कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और ना ही फ्यूचर में संभावना है। वैसे तो भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए 2011 में एक कमेटी बनाई गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकादोकर कमेटी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में 106 सिफारिशें की, जिसमें से 38 पर अब भी विचार ही चल रहा है, बाकी मान ली गई हैं। काकोदर कमेटी ने रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण वैकेंसी भरने को कहा, रेल पटरियों के आसपास अतिक्रमण दूर करने को कहा, सिग्नल सिस्टम दूर संचार को अपग्रेड करने को कहा, रेल ट्रैक और पुलों की हालत सुधारने को कहा। रेलवे आखिर कई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अभी सिर्फ विचार करने की ही हालत में क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि रेलवे के पास संसाधन नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे को 2020 तक 20 ट्रिलियन रुपयों की जरूरत है। जाहिर है कि राजनीति की सांस से जीने वाली रेलवे के लिए इतना पैसा जुटाना आसान नहीं। तो क्या रेलवे के मुसाफिर जिंदगी जोखिम में डालने के लिए मजबूर होते रहेंगे? ये बात सच है कि बिना भारी निवेश के रेलवे की सुरक्षा को फुल प्रूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर रेलवे का मैकेनिज्म चुस्त होता तो शायद कानपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा टल जाता। रेलवे के किसी लिंक को बस कुमकुम जैसों की बात सुननी और समझनी थी। मैं 2-3 घंटे पहले ऐसी हिल रही थी, 2-3 घंटे पहले से ऐसी चलता सीट पर से लोग नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, तेज तेज हिल रही थी? हाँ, बहुत तेज तेज हिल रही थी गाड़ी। आप लोगों ने टीटी को बताया था? नहीं, टीटी उस समय नहीं आए थे। किसी को बताया था आप लोगों ने? फोन नहीं, तो सब सोए थे। हम लोग बैठे थे, तो हम बोले सर कि क्यों इतना गाड़ी क्यों हिल रही है। उसके ही 3:15 बजे करीब में एक पे कैसे लड़ने लगी। कितने बजे करीब ट्रेन हिल रही? ये तो ट्रेन 2-3 बजे 2-3 घंटे पहले से हिल रही थी। रात 12 बजे से? 12 बजे से इतनी हिल रही थी। जब ट्रेन चली होगी उसके बाद से? हाँ, खूब हिल रही थी ट्रेन। ऐसे लगा कि सीट पर से नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, तो ड्राइवर ने रोका नहीं कहीं ट्रेन? कहीं नहीं रोका। दिल्ली से राहुल सिन्हा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। रेलवे के रक्त चरित्र की हम बात कर रहे हैं। रेलवे में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर शोर मचा तो उसके कॉस्मेटिक्स को थोड़ी तवज्जो दे दी जाती है। कह दिया जाता है कि पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट दिलाने में पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या रेलवे में सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ती गई है? सुरक्षा को लेकर जो लेआउट है वो कागजों से आगे कभी बढ़ा भी है? दवा खा लेना। अरे हमारे बाबू हाँ। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रुद्रनाथ चौरसिया की क्या गलती अगर रेलवे के पास सुरक्षा देने के संसाधन नहीं है? रुद्रनाथ से क्यों उनका पोता छीना गया? क्यों छीन ली गई उनके घर की लक्ष्मी, उनके बेटे प्रवीण चंद की पत्नी? खुद प्रवीण भी कानपुर के हैलट अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें क्या पता था कि इंदौर से वो अपने घर, अपने छोटे भाई की शादी के लिए रेलवे के जिस सफर पर निकले हैं, वो सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता? पूरी तरह जख्मी हो गए और घायल हैं। उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले होश आया है और भाभी और छोटे भतीजे का डेथ हो गया है। कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये खलीलाबाद आ रहे थे शादी में, 30 तारीख को छोटे भाई की शादी है। इंदौर पटना एक्सप्रेस मंजिल पर पहुंचाने के वादे के साथ निकली थी, लेकिन उन मुसाफिरों को क्यों नहीं बताया गया?
कि रेलवे झूठा वादा करती है। इंदौर पटना जो रेल हादसा हुआ है उसमें भोपाल और उसके आसपास के करीब 23 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त हम गोविंदपुरा के कैलाश नगर में खड़े हैं। यहाँ भी सत्येंद्र सिंह जो ठेकेदार हैं उनके परिवार में 2 लोगों की मौत हुई, उनकी पत्नी और उनकी 28 साल की जो बेटी हैं रागिनी सिंह, वो इस हादसे में उनकी जान चली गई है।